दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में जो अपनी मासूमियत और एक्टिंग से सबका दिल जीत चुके थे, लेकिन आज वे काफी बड़े और जवान हो चुके हैं। नंबर एक, दर्शील सफारी। तारे जमीन पर और बम बम बोले फिल्म से सबका दिल जीतने वाले दर्शील सफारी उस समय केवल 10-12 साल के थे, लेकिन दर्शील 26 साल के हो चुके हैं और बेहद ही हैंडसम और स्मार्ट हो गए हैं और जल्द ही फिर से वो फिल्मों में नजर आने वाले हैं। नंबर दो, सना सईद। फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि के किरदार से सना सईद ने खूब वाहवाही लूटी थी। सना सईद आज 35 साल की हो चुकी है जो बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आती है। कुछ कुछ होता है फिल्म के अलावा सना सईद कई फिल्में और टेलीविजन शो भी कर चुकी है। नंबर तीन, हर्षाली मल्होत्रा। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में पाकिस्तानी बच्ची मुन्नी का रोल करके हर्षाली ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तब वे काफी छोटी थी, लेकिन आज मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा 15 साल की हो चुकी है और बेहद ही खूबसूरत दिखने लगी है। नंबर चार, उत्कर्ष शर्मा। साल 2001 में आई फिल्म गदर में सनी देओल के बेटे चरणजीत का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट आज 29 साल के हो चुके हैं। उत्कर्ष शर्मा आज बॉलीवुड का जाना माना नाम बन चुके हैं जो अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म गदर 2 से काफी सुर्खियों में है। नंबर पाँच, मालविका राज। फिल्म कभी खुशी कभी गम में छोटी पूजा के रोल में नजर आई एक्ट्रेस मालविका राज आज 30 साल की हो चुकी है जो बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस दिखती है। मालविका राज अपनी सगाई को लेकर चर्चा में रही है। नंबर छह, आनंद वर्धन। अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म सूर्यवंशम में छोटे ठाकुर भानु प्रताप के किरदार से आनंद वर्धन बेहद ही लोकप्रिय हुए। सूर्यवंशम का ये छोटा सा बच्चा आज 24 साल का हो चुका है। आनंद वर्धन एक तेलुगु एक्टर हैं और 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। नंबर सात, आदित्य कपाड़िया। अक्षय कुमार की फिल्म जानवर में राजू के किरदार से सबका दिल जीतने वाला छोटा बच्चा आज 36 साल का हो चुका है। आदित्य कपाड़िया आज काफी हैंडसम हो गए हैं। नंबर आठ, जिब्रान खान। कभी खुशी कभी गम फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के बेटे क्रिश का किरदार निभा चुका बाल कलाकार आज इतना बड़ा हो चुका है। जिब्रान खान 29 साल का है और बेहद ही हैंडसम और स्टाइलिश हो चुका है। वैसे इन चाइल्ड आर्टिस्टों में से आपको किसकी एक्टिंग और फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताना।